हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू पराठा, जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ आपको। जिसके लिए मैंने लिया है प्याज, बॉयल आलू, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन। बहुत लोग आलू को ऐसे ही मैश करके ये सब मिला के भर देते हैं रोटी में, बट मैं इसको भूज करके रोटी में भरती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ सारी प्रोसेस, ये ज़्यादा बेटर लगता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताती हूँ। इतने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे आपको आलू को भूनने के लिए, फिर आटे में इसकी स्टफिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको भूनने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ऑलमोस्ट कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे तेल, कड़ू तेल, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब हेल्दी वर्जन बनाना है। अब डालेंगे जीरा, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आपको अगर टेस्ट पसंद है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने ऐसे रफली चॉप्ड कर लिया है प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को। मैं जनरली लाल मिर्च यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने तीखे के लिए हरी मिर्च यूज़ की। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं हेल्दी की वजह से लाल मिर्च यूज़ नहीं करती। हमारा तेल गर्म हो गया है, जीरा भी हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये चॉप्ड, तो फाइनली चॉप किया मैंने क्योंकि मुझे इसको स्टफिंग के लिए यूज़ करना है। अब देख सकते हो कितनी बारीकी से मैंने चॉपर में चॉप किया है, इसलिए बस चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हो। अब इसको थोड़ी भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्का सा भून गया है, इसकी कलर भी चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो कच्चापन निकल गया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी तीखे के लिए डाल दी है, तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ये मैं आपको ऐसी स्टफिंग बता रही हूँ जिसको आप ब्रेड रोल में भी भर सकते हो, ब्रेड पकौड़े में भी भर सकते हो और आलू पराठा में भी भर सकते हो, और ये बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। थोड़ी सी हल्दी, तीखे के लिए ऑलरेडी मैंने लाल मिर्च हरी मिर्च डाल दी है, तो मैं लाल मिर्च बहुत कम ही यूज़ करती हूँ खाने में, बट थोड़ा सा कलर के लिए हम यूज़ करेंगे। ये मेरे पास ऑर्गेनिक रेड चिल्ली पाउडर है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो है वो आप कर सकते हो, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें मूँगफली भी डाल सकते हो, मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ। बस इतने ही मसाले डालने हैं। अब इनको 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें आलू मिलाएंगे। बस ये झटपट से तैयार हो जाएगी आपके आलू पराठा। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भून गया है, मसाले में तेल भी रिड्यूस कर दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बॉयल आलू, ये अच्छे से पक गया है, इसको अच्छे से मैश कर देंगे क्योंकि इसको स्टफिंग के लिए यूज़ करना है। ऐसे एक बार आप आलू पराठा ट्राई करो, फिर मुझे बताना। बहुत लोग कच्चे पर प्याज ऐसे ही आलू और हरी मिर्च मिला के बना देते हैं, कभी आप ये वाली ट्राई करो। ये सारे आलू मिला दिए हैं। बॉयल आलू है तो इसको ज़्यादा देर भूनना नहीं है। ये ऐसी स्टफिंग है, आप इसको ब्रेड पकौड़ा इससे बना सकते हो, ब्रेड रोल बना सकते हो, आलू का रैप बना सकते हो रोटी में भर के। सब में सेम स्टफिंग यूज होगी, इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। बस आलू के साथ ही मसाला अच्छे से मिल गया है। और लास्ट स्टेप है जो हमारा धनिया पत्ती।
इसको मैंने चॉप नहीं किया है क्योंकि ऐसे ही गल जाती है, चाहो तो इसको चॉप कर सकते हो, ये जैसे रोटी में जाएगी तो ये गल जाएगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहो तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, मैंने नहीं यूज़ किया है, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है मूंगफली, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। ये हमारे आलू की स्टफिंग रेडी है, इसको ठंडा करेंगे, तब तक आप आलू को ठंडा करो, तब तक आप आटा गूंथ लो। चलिए अब आटा गूंथते हैं, फिर इसको इसकी फिलिंग भरेंगे और मैं आपको ज़बरदस्त आलू पराठा बना कर सिखाऊंगी। गैस बंद करते हैं, इसको ठंडा होने।